एसएफ सौम्य महापात्र मृत्यु मामला खैरारे पहुंची पारलाखेमुंडी थाना छजनिया तदंतकारी टीम टीम सौम्यों परिवार और संपर्क को पचराउचरा करीम अच्छा पारलाखेमुंडी थाना अधिकारी विवेकानंद स्वाई और एसआई त्रिनाथ पटनायक समेत अन्य चारज अधिकारी सौम्यरंजन बासभवन में पर और संपर्क को घटना संपर्क में पचराउचरा कर तदंत पर आज कप्तिपदा जा मृत सौम्यों पत्नी विद्याभारती को जेरा कर पचराउचरा बेले पुलिस को मिल पारे अधिक सुराग। आम आज आसी पहुँचीचु खैरारे ये बेगुनिया आम सौम्य बाबू घरे आसी पहुँचीचु आमर तदंत चालू रही आम आज तर माई एवं माँ एवं अन्यान्य सांगसाथी जो माने भी अच्छा से पचरा पचर करपर आम कप्तिपदा जीव एवं इन्वेस्टिगेशन चालू रही आम कनक्लूजन न पहुँचा पर्यंत किसी कहीहबन कहीं इन्वेस्टिगेशन स्टेज अच्छी आमे केस रजिस्ट्रेशन दिन ठूँ आम ही इन्वेस्टिगेशन चालू रही फोरेंसिक टीम आसवा आउ कंप्लेनेंट फैमिली मेंबर्स को एग्जामिनेशन करवापर आम आज पहुँची नहीं देखो आम स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन चालू रही गोटे यहाँ गोटे स्टेप आम आज पहुँचीचु तापर जीए जीए इन्वेस्टिगेशन को आसवे जहाँ जो जो मान आलिगेशन निश्चय आम इन्वेस्टिगेशन को आने कहीं सी कह बाहर भांगी दि मोर एने गोटे अच्छी मुझे हाँ बाहर ये कहला मुझे भांगी हाँ मैं तू ये हाँ कहलु आजी जदि कहू तू कह ना मोर गोटे पीस पल मो बाप चाहिए मो मुह चाहूना घर भितर शखा चुड़ी भांगी मुंडू सिंदूर पोछी पोछिक पल जाए खोजी खोजला ये पाई नहीं जाए दिए घर ये से कुकर्म देखी बुढ़ाटा संपूर्ण मिथ्या हत्यामूलक षड़ स्वामी स्त्री दी जन थे केमी स्वामी मरीगला स्त्री जापरलानी तेणु एटा स्त्री पूरे आम यही देवी जेहेतु स्वामी स्त्री थी सागर जने डॉक्टर रेफर करछन्ती एमकेसी जी की जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करथले आउ जने डॉक्टर ताकु रेफर करछन्ती एसीबी की यही दिगटा को मध्य पुलिस तदंत जदि करिवो जे किए ताकु प्रवर्तैला ताहले जना पड़िवो जे पुलिस ता तदंत जो जो नुआ नुआ जिनस आसुची आगु को से दिगर जदि पुलिस तदंत करछि ताले जना पड़िवो जे पुलिस ता तदंत ठीक करूछि तो काहे कि ना ता से कहूछि मो फेस रु कोन ना तो एने अधिक सुनापी सीधासलख खैरा नहीं चलु अच्छा प्रतिनिधि मनोज प्रधान मनोज पारलाखेमुंडी पुलिस और तदंतकारी टीम आज सौम्यों घरे पहुंची थे पचराउचरा कौन क्लू पाई पुलिस सौम्यों परिवार देखो अपूर्व आम बर्तमान अच्छे सौम्यरंजन घरे पारलाखेमुंडी छजनिया टीम बर्तमान आसी घरे गरीब लोक पचराउचरा कर दसटा समय ठीक घरे आसी पहुँचे और घंटाए बीतीगलापर्यंत पचराउचरा जारी रही आम अच्छु से घर सामने अच्छा सहित आम सहित अच्छा समीर रंजन मामू अच्छा प्रतिक्रिया नहीं जावा पूर्व आज्ञा जो छः दिन है आपण भणजा मृत्यु होती सन्देहजनक तदंत के बर्ष पर्यटन जाए कौन घटना था पूर्व आपको भणजा विषय कौन सूचना देते भणजा सूचना जहाँ दे माँ को देता माँ हूँ माई को दिने फोन करता माई मत थे कही पप्पू कांदू कहीं तुम टे बुझाक मुझ आस नानी पचार नानी कौन पप्पू कांदू ना ना से कौन कांदू ना मुझे मत कौन कह ना ना कि ना से सब कथ मेटिगलानी मुझे ना मुझे बापा माँ कहते जिमी गले कथा ना आलोचना करा कौन है मत कह ना 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 पप्पू मना कर किसी आलोचना करनी से कौन गोटे नागिता पार्टी से मेटी जाए देखो घटना को छह दिन सात दिन होगा क्या गिरफ्त करा जाए केवल मामला रुजु होती है डीएफ को पचराउचरा कर जाए कौन कहे ना मुझे आज गणमाध्यम मध्यम जो कहवा चाहूँगी डीएफ को अन्यत्र विदा ट्रांसफर करूँ चाकर बहिष्कार करूँ कले ये हूँ इनक्वारी ठीक ढंग से हम जेहेतु सी हूँ विराट काय हस्ती और से जो फिस्ट होता फिस्ट आलोचना फिस्ट भितर आम पु मरू आम पु तो गोटे ये चतुर्थ कर्म कर्मचारी नुहे जदि डीएफओ फिस्ट कले कलेक्टर को निमंत्रण करागला कि आम डीओ आम पु कहीं निमंत्रण है ना जदि निमंत्रण है ना से तो रोषेवास आम आम घर आवा ना जदि रोषे है से पूजारी रोषे खाद्यपेय क्या गति नहीं जाऊ मैडम गणमाध्यम कहले मुझ खाद्य नहीं कि जाऊँ
ଆମ ପୂଜାରୀ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା, ସେ କାହା କତି ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା, ସେଠି ତାଙ୍କର ମାଛ ମାଂସର ହଉଥିଲା। କଲେକ୍ଟର ନିଜେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ଆମ ପୁଅକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଘରୁ କାଢ଼ିକି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲରେ ପକେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଇଏ ରୋଷେଇଟା କେଉଁଠି ହଉଥିଲା? ତାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଛ କଥା, ଆମ ପୁଅକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାରିକି ଆଣି ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମର ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସର ନେଲେ ଯେ ସତ୍ୟତା ଆସିବ ବୋଲି ଆପଣ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ଆମ ବୋଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଆମ ନିଜ ବୋଉକୁ ଧରିକି ଆଣିଲେ, ତାକୁ ଥାନାରେ ଆଣିକି ପଚାରିଲେ ସେ ସବୁ କଥା ମାନିଯିବେ, ଏବଂ ପୂଜାରୀ ସବୁ ଜାଣିଛି, ପୂଜାରୀ ଡିଟେଲ ଜାଣିଛି ଇଏ ଘଟଣାର କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଘଟଣାକୁ 7 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନି। ଆପଣ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି? ତଦନ୍ତ ପରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୁସି ଅଛି, ମୋତେ ମୁଁ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲି, ଏସ୍ପି ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଇଏ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଏମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡ ବିରାଟ ରାସ୍ତା ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି, ଆମ ଘର କତୁରୁ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ହେଲାଣି 500 କିଲୋମିଟର, ଆମେ ଯିବା 2 ଦିନ ଡେରି କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଜି ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ଛୁଆକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଚାକିରି ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଛୁଆ ଯଦି ପୋଡ଼ିକି ମରିଯିବ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବେ? ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ମରିଛି ସେଠି ମରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଏ କେସ୍ରେ ଜଣେ ଆଇଓ ଅଛନ୍ତି, ଆଇଆଇସି ଡିଏଫଓ ନାଁରେ ମାମଲା ହୋଇଛି, ଡିଏଫଓ ଜଣେ ହାଇ ରାଙ୍କ ଅଫିସର, ଆଇଆଇସି ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ସେ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛି, ଆଇଆଇସି ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ଏଠି ବିଦା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରାଯାଉ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଇନକ୍ୱାରୀଟା ହେବ। ଯେହେତୁ ସେ ବିରାଟ କାଳ ଜନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବା ଭିତରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଅଫିସର ସବୁବେଳେ ଗେଟ୍ଟି ଚାପଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଣେ, ସେ ଚାବି ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ, ଜଣକୁ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍, ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଷ୍ଟାଫ୍ ସେଠି ଚାବି ବନ୍ଧି ଆଣୁ ପକେଇଲେ, ଗାଳି ମନ୍ଦ ହେଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ସେ ଚାବି ଖୋଲିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଚାବି କାଟି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମରିଯାଉଛି, ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତିନିଧି ସିଧାସଳଖ ଗଜପତିରୁ ଏ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।